दोस्तों आप लोगों में से अक्सर लोगों ने पेंटिंग की होगी और पेंटिंग करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पेंटिंग के दौरान ब्रशेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों ब्रशेस पेंटिंग का एक लाजम हिस्सा हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट और मशहूर पेंटर्स जो हैं वो अपने ब्रश स्ट्रोक्स की वजह से दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल रहे हैं पाकिस्तानी एक बहुत ही फेमस पेंटर गुलजी का नाम जो है वो पाकिस्तान के उन आर्टिस्ट में से है जो कि अपने पेंट स्ट्रोक्स की वजह से ब्रश स्ट्रोक्स की वजह से पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर हुए अच्छा दोस्तों ये जो ब्रश है जिसकी मदद से हम पेंट करते हैं या स्ट्रोक लगाते हैं ये मैनुअली uh, तो हम इस्तेमाल करते ही हैं लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कि डोबी इलास्ट्रेटर और डोबी फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर इनमें भी हमारे पास ये ब्रश का जो एक टूल है ये अवेलेबल है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेसन के अंदर हम लोग अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ब्रश टूल को देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग ब्रश टूल को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो चलें चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कस्टम ब्रशेज को अच्छा दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर करता चलूँ कि हम इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में दोनों सॉफ्टवेयर में ब्रश को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों आप लोगों को मैं फिल और स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट पहले बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ अच्छा इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग जब ब्रश को इस्तेमाल करते हैं तो वो हम बेसिकली क्या करते हैं किसी भी चीज़ की आउटलाइन या उसके स्ट्रोक के तौर पे हम ब्रश को अप्लाई कर रहे होते हैं जबकि इसके बरक्स हम फोटोशॉप में जब ब्रश अप्लाई करते हैं तो वो हम किसी भी चीज़ के अंदर कलर को फ़िल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में ब्रश टूल के हवाले से तो चलें ब्रश टूल को एक्सप्लोर करते हैं हमारे पास इलस्ट्रेटर में यहाँ पे ये जो राइट साइड पे मेन्यूज़ होते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक मेन्यू अवेलेबल है ब्रश का अच्छा मैं ये करता हूँ कि ये जो मेरे कलर और स्वैचेस के मेन्यूज़ हैं इनको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं आराम से इसको जो है वो स्टडी कर सकूँ अच्छा जी सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ ये आप कुछ ब्रशेज़ देख रहे हैं ठीक है और आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से स्ट्रोक्स होते हैं अच्छा ये ब्रशेस वही डिफॉल्ट ब्रशेस हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं जो कि ऑलरेडी इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलस्ट्रेटर में हम ब्रश को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं दो तरीके हैं दोस्तों सबसे पहले ये हमारे पास टूल बार के अंदर यहाँ पे एक पेंट ब्रश टूल मौजूद है ये एक बड़े मज़े का टूल है आपने सिर्फ करना ये है कि फिल को आपने नन करना है और स्ट्रोक के अंदर कोई भी कलर फिल करना है और उसके बाद इसकी मदद से आपने जो है वो कोई लाइन जो है वो या कर्व कुछ भी जो भी आप ड्रा करना चाहते हैं वो आपने ड्रा कर लेनी है ठीक है जिस तरह से ये मैं एक जो है वो कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है और स्ट्रोक के अंदर जाके मैं इसकी जो वेथ है वो बढ़ा सकता हूँ क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि ब्रश को हम इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दूसरा एक तरीका ये कि अगर आपने कोई भी चीज़ क्रिएट कर लिया जैसे अभी अब ये मैंने लाइन क्रिएट कर लिया है तो इसके ऊपर मैं जाके इन तमाम स्ट्रोक्स को अप्लाई करता जाऊंगा तो ये वन बाय वन उसके ऊपर मुझे नज़र आते जाएंगे और इसके बाद में इनकी जो स्ट्रोक की वर्थ है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ खुद से इसी तरह से यानी अगर मैं इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं कोई भी एक स्क्वायर ले ले लूँ और डेफ़िनेटली आप देख सकते हैं इसका फिल जो है वो मैंने ज़ीरो किया हुआ है ख़त्म किया हुआ है और इसके ऊपर स्ट्रोक मैंने लगाया हुआ है अब यहाँ पे अगर मैं आके क्लिक करता हूँ तो ये यह देखें यहाँ पे जो ब्रश है वो मेरा अप्लाई हो जाता है तो ये दोनों तरीक़ों से हम बेसिकली ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर अच्छा चलें जी मैं आपको कुछ और चीज़ें ब्रश के हवाले से यहाँ पे बताता चलूँ दो सौ एक तो यहाँ पे आपके पास अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे एक ओपन ब्रश लाइब्रेरी लिखा हुआ आ रहा है ये आगे चल के एक और लेसन मैं आपको दूंगा उसके ऊपर मैं उसमें मैं आपको बड़ी डिटेल में इनके बारे में बता दूंगा अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ इनमें से बता देता हूँ दोस्तों ये बेसिकली हमारे वो सारे डिफॉल्ट ब्रशेज़ हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक स्क्वायर ले, ले लेता हूँ और इनमें से किसी को जो है वो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ ये देखें आ, ये एरो के बल्कि इसको समझाने के लिए मैं अगेन फ्री हैंड एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ये देखें और इसकी मदद मतलब से मैं आपको इनको अप्लाई करके दिखा देता हूँ ये देखें जी ये मैंने अभी निकाले यहाँ पर एरो ब्रशेस इसी तरह से और भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ यहाँ पे आप देखें आर्टिस्टिक ब्रशेस हैं एरोज़ हैं बॉर्डर्स हैं ब्रिस्टल है डेकोरेटिव है, 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 है बहुत सारे यहाँ पे आपको ब्रशेज़ हैं वो मिलेंगे आ, ये एक कैलीग्राफिक ब्रश आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक ब्रश जो है ये देखें आ, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ और है और ये सेट्स हैं और इन सेट्स के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो वाइटीज़ पड़ी हुई हैं डिफरेंट वेरिएशन के साथ और डिफरेंट सेटिंग्स के साथ ठीक है जी अच्छा अब हम बेसिकली ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हम नया ब्रश जो है वो कोई भी नया ब्रश हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कस्टम ब्रशेस हम किस तरह से खुद से क्रिएट कर सकते हैं एक तो ये हो गया ना कि ये ब्रशेस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं अब हम अगर खुद से क्रिएट करना चाहें तो ये देखें यहाँ पे न्यू ब्रश की एक ऑप्शन है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी कैलीग्राफिक उसके बाद स्कैटर है आर्ट है ब्रिस्टल ब्रश और पैटर्न ब्रश ये चार पाँच किस्म के ब्रशेज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जैसे ही आप ओके OK पे क्लिक करते हैं तो ये देखें एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज करके कोई भी ब्रश जो है वो बना सकते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसकी राउंडनेस जो है इसको मैं कम करता हूँ ये देखें जी इसकी राउंडनेस मैंने कम कर दी इसका एंगल भी मैंने चेंज कर लिया और इस तरह से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और मैं ओके okay क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं ओके okay करता हूँ तो दोस्तों ये ब्रश मेरा यहाँ पर हुआ आ गया अब मैं अगर ब्रश चूल को लूँ तो मैं यहाँ पे ये यह देखें टाइप कर सकता हूँ जिस तरह से हम लोग जो कैलीग्राफिक ब्रशेस होते हैं हमारे उर्दू के ये उस तरह का एक हमारे पास जो है वो ब्रश बन गया इसके थिकनेस थिननेस और चौड़ाई वगैरह वो सारा कुछ जो है वो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से आके ये से सेटिंग्स को ले इनमें से मैं वो चेंज कर सकता हूँ तो इस तरह से आप बेशुमार कैलीग्राफिक ब्रशेज़ यहाँ पर बना सकते हैं अच्छा इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है स्कैटर ब्रश लेकिन आप देख रहे हैं कि जो स्कैटर ब्रश है ये ऑफ है बेसिकली ये स्कैटर और आर्ट ब्रश वो टाइप्स हैं दोनों कि ये तब एक्टिव होंगी ये आप तब बना सकेंगे जब आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पहले से ले लेंगे अभी मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया अब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ ये देखें मेरी जो स्कैटर की और आर्ट की ऑप्शन है ये मेरी ऑन हो गई है स्कैटर ब्रश पे मैं जाता हूँ यहाँ पे देखें ये फिलहाल मैं इन सेटिंग्स को चेंज नहीं कर रहा लेकिन आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा इनकी मदद से आप साइज़ स्पेसिंग और स्कैटरनेस ये चेंज कर सकते हैं स्कैटर का मतलब है फैलाओ यानी कि ये वो ब्रश है जिसके अंदर हम फैलाओ वाले ब्रशेज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं तो फिलहाल मैं इसको ओके क्लिक कर रहा हूँ और एक स्कैटर ब्रश जो है वो मेरा बन गया हुआ है अगर मैं यहाँ से कोई शेप ले लूँ मिसाल के तौर पे मैं एक एकप्स ले लेता हूँ ठीक है और इसके स्ट्रोक के अंदर जाके मैं इसको क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है और ज़रा थोड़े बड़े साइज़ का है इसलिए ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे हैवी लग रहा है हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई सी शेप ले, ले लेते हैं ये स्टार ले, ले लेते हैं एक छोटा सा ठीक है और इसको हम जो है वो थोड़ा सा साइज में छोटा करते हैं यहाँ से आके हम इसको स्कैटर ब्रश में कन्वर्ट कर देते हैं ये देखें ये स्टार आपका आ गया अच्छा जी यहाँ से मैं शेप ले लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल और इसको मैं जो है वो जा के अप्लाई करता हूँ ये ब्रश तो ये देखें ये कितना ख़ूबसूरत एक पैटर्न जो है वो यहाँ पे बन गया अगेन आप डबल क्लिक करके यहाँ से इसकी जो ऑप्शंस हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर आप साइज स्पेसिंग स्कैटरनेस, रोटेशन ये सारा कुछ आप जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अच्छा जी एक और ब्रश यहाँ पे जो अवेलेबल है वो है आर्ट ब्रश आर्ट ब्रश के लिए भी मैं ये करता हूँ कि मैं एक छोटा सा ओवल लेता हूँ और इस ओवल को मैं जो है वो यहाँ पे आके आर्ट ब्रश के अंदर तब्दील कराऊँ ये देखें आर्ट ब्रश के अंदर भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं ठीक है यहाँ पे ये यह कुछ स्केल प्रोपोर्शनेटली और उसके बाद स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ और स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स ये बेसिकली जब आप इसको किस तरह से आप स्केल आउट करना चाहते हैं अपने ब्रश को यानी जो ब्रश का जो सिंगल यूनिट है वो किस तरह का दिखना चाहिए वो यहाँ से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ से दोस्तों आप कलर ऐड कर सकते हैं यानी आप का ब्रश बाद में जो है उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आएँ मैथड में जाके आप नन के बजाय टेंट्स टेंट्स एंड शेड्स और, और ह्यू शिफ्ट में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं आप लोगों को मैं टेंट्स और शेड्स के बारे में पहले अच्छी तरह से बता चुका हूँ तो वो अब मैं उम्मीद करता हूँ मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से मैं टेंट्स की ऑप्शन ले लेता हूँ और इसको मैं जो है वो ओके कर देता हूँ यहाँ पे ये देखें मेरे पास ब्रश मेरा एक आ गया हुआ है और ये देखें अगर मैं ब्रश टूल को लेके इसकी मदद से यहाँ पे कोई भी एक कर्व ड्रॉ करूँ तो ये देखें एक ख़ास किस्म की बहुत ख़ूबसूरत कर्व्स के साथ जो है वो यहाँ पे मेरी एक शेप बन रही है एंड अगेन चेंजेस मैं यहाँ से आके इसके अंदर कर सकता हूँ तो ये है जनाबी अली आर्ट ब्रश अच्छा ब्रिस्टल को मैं इस वक्त यहाँ पर स्टडी नहीं करूँगा ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता हम इस वक्त जो पैटर्न ब्रश है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल ले, ले लेता हूँ छोटी सी और इसको दोस्तों मैं कोई सा कलर जो है वो स्वेचेज में से आके दे लेता हूँ इसी तरह से इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ छोटा करता हूँ यहाँ पे ला के रखता हूँ और इसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ और इसको मैं कोई और कलर जो है वो दे देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ अच्छा दोस्तों एक और तरीका मैं आपको बताता चलूँ यहाँ से ज़रूरी नहीं आप आगे क्लिक करें इसको सीधा आप यहाँ से ड्रैग भी अगर कर दें तो भी ये ब्रश आपका जो है वो बन जाएगा और ये देखें स्कैटर ब्रश में भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं ये जो स्ट्रोक है आपको जो शक्ल यहाँ पे नज़र आ रही है इससे आपको समझ आ जाएगी कि स्कैटर ब्रश किस किस्म का होगा ये जो स्ट्रोक्स हैं इनकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं और अगेन कलर आप जो है वो अगर देना चाहें तो यहाँ से टेंट के ऑप्शन को ओके करें और आप ओके okay कर दें यहाँ पे देखें मेरा जो एक ब्रश है वो बन चुका है तो यहाँ से मैं आता हूँ और जनाब अली इसको मैं अप्लाई करता हूँ ये देखें खूबसूरत सा पैटर्न वाला ब्रश मेरा बन गया और इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ कोई भी कलर मैं इसको देना चाहूँ तो वो भी मैं आके इसको चेंज करके दे सकता हूँ दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इलस्ट्रेटर के अंदर कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त ब्रशेज जो हैं वो क्रिएट किए अब आप लोगों ने जो है वो इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बना के दिखाए हैं आप लोगों ने खुद से भी कुछ नए ब्रशेस क्रिएट करने हैं और जो कस्टम ब्रशेस अवेलेबल हैं पहले से एलिस्ट्रेटर में उनको भी एक्सप्लोर करना है और इस तरह से आप लोग बहुत मज़े के इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इन शाह तला नेक्स्ट लेसन के अंदर एलिस्ट्रेटर के हवाले से कोई नया टूल या कोई नई बात लेकर आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे